केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं दसंबर 2021 तो मार्च 2022 तक 4 महीने लिए वधा दिता है। इस संबंधी फैसला केंद्रीय कैबिनेट की अज नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई एक मीटिंग विच लिया गया। मीटिंग के फैसलों बारे जानकारी दिंदिया सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस ते 53,344 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्हें दसिया कि इस योजना तहत मिलन वाला राशन NFSA अते अंत्योदय योजनावां तो इलावा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दसिया कि यह योजना मार्च 2020 विच शुरू की गई सी अते पिछले 15 महीनों दौरान 80 करोड़ लोगों 541 लाख मीट्रिक टन खाण वाला राशन दिता जा चुका है, जिस ते कुल 260,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दसिया कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री वालों गुरपुरब से खेती कानून वापस लैण के ऐलान बारे मंत्रिमंडल ने इन कानूनों वापस लैण दियां सारियां शर्तां नूं पूरा कर दिता है। उन्होंने कहा कि हुण संसद के आउंदे सर्द रुत्त इजलास दौरान बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी।